मेगा लस्सी मेकिंग इज डन। आलू की सब्जी, छोले उसके ऊपर हरी चटनी और गाजर का चार और बस दो फूले फूले भटूरे। खाने में भी कितना मजा आता होगा इनको। आप लोग भी फूडी लग रहे हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है ओल्ड गाजियाबाद। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी और दिल्ली की सर्दी के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद का नाश्ता। आइए चलते हैं। मैं देख रहा हूँ हाथ नहीं रुक रहा आपका, इधर से निकला आटा और ये पिट्टी, इसमें सब मसाले वगैरह और दाल वगैरह सब भरी हुई है। ये तरीका भी थोड़ा इनका अलग है। अच्छा, पहले इसके अंदर भी मिक्स करेंगे और उसके साथ भी लगाएंगे? नहीं, अब ये स्टफिंग हो गया। यही स्टफिंग हो गया। अच्छा, फास्ट फास्ट काम है ये, फास्ट तरीका है करने का। एक एक लोई में कौन पिट्टी डाले, सीधा एक साथ कर दिया। हाँ, टाइम बचता भाई आपका। ऐसे फुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपका हाथ चल रहा है, देखो। मतलब एक मिनट हुआ है यहाँ पे खड़े हुए और उधर जो पूड़ियाँ थी वो कच्ची पक्की बनी थी वो गायब हो गई, देखो बन के निकल भी गई। कौन सी सही है जी पूड़ी है? हाँ जी सही है। अरे इनका सेटअप देख के मेरे को ना वो देहरादून के चेतन पूड़ी की याद आ गई। एकदम मस्त बाहर पूड़ियाँ बन रही है, अंदर सब्जियाँ निकल रही है, माहौल बना हुआ है पूरा। ये सब चीज़ें ना सर्दियों में खाने में मजा आता है, इसीलिए तो सीरीज का नाम है दिल्ली की सर्दी। 5 पूड़ी 2 सब्जी 35 रुपये, बड़ी रीजनेबल है भाई। ऐसे पूड़ी कचौड़ी जैसे लगती है, अभी लग रही है कि कुछ बाहर ना कुछ है। बढ़िया, हाँ ये शॉट, ये शॉट। मुश्किल से यहाँ पे 2 मिनट हुए हैं आए हुए मेरे को और पूड़ी तो निकल गई। आप लोग कितना टाइम से बना रहे हैं? 2 साल। हाँ 22 साल हो गए, पुरानी दुकान है काफ़ी। दिल्ली की सर्दी में गाजर का हलवा भी आ गया है, गरम गरम गुलाब जामुन भी आ गया है और एक वो ओबलोंग वाला गुलाब जामुन, वो देखो पूड़ी अब जो है डबल फ्राई हो रही है। मतलब क्या हो रहा है भाई, इतनी फुल स्पीड पे काम कैसे हो रहा है यहाँ पे। मतलब मन कर रहा थोड़ा सा गुलाब जामुन भी ले लेते हैं। चलो प्लेट तो लगवाएं अपनी, पहले मीठे पे पहले ही आ गए, पहले नमकीन तो खाएं। वेट फॉर इट। वीडियो को लाइक कर देना, बढ़िया एकदम। जो पूड़ी है ना फूल जाएंगी, बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगी, डबल फ्राई करने से ना क्रिस्पी भी हो जाती है। ये पेटी की सब्जी भी है? पेटी की सब्जी है। हाँ जी। और साथ में क्या क्या रहता है थाली में? खाने में रायता है। अच्छा, और चटनी मिर्च है, धनिया की चटनी है। हाँ जी जी, हरी मिर्च अचार की, रायता है, ये सब थाली में लगता है। जी जी। और ये आलू की सब्जी है। आलू की सब्जी जी। ये थोड़ी तेज रहती होगी? जी जी। और पेठा थोड़ा सा सादा रहता है? हाँ, मीठा होता है वो, खट्टा मीठा। हाँ खट्टा मीठा। लगवाएं फिर अपनी, बैठो आप। पेठे की सब्जी ये थोड़ी खट्टी मीठी रहेगी, ऐसा हम लोगों को बताया गया। यहाँ पर ना भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब 5 पूड़ी और मेथी, 1 2 3 4 आलू की सब्जी थोड़ी तीखी, चटनी, वेट नहीं हो रहा, बस बस बस। लो भाई पूरी थाली लग चुकी है हमारी, आप लोग खाते रहते हैं। भाई मेरे को तो बड़ा सही लगा ये 5 पूड़ी का हिसाब किताब, 5 पूड़ी 2 सब्जी। हमने सोचा दिल्ली की सर्दी में गाजियाबाद भी दिखाए थोड़ा लोगों को। अभी कर दिए गए थे तो अभी तो कैसी लगती है? बहुत बढ़िया। आप लोग भी फूडी लग रहे हैं? हाँ बस वेज खाना दिखाने का ही शौक है लोगों को। चलो भाई शुरू करते हैं। ऐसा खाने पीने वाली जगह पे ना कोई ना कोई मिले जाता, फूडीज लोगों का ये रिलेशन बना हुआ ना एक वेजी बाजी पे। वैसे 5 पूड़ियाँ आती है, हम लोगों ने फोटो के लिए 7 पूड़ियाँ ले ली थी। मतलब थोड़ा लॉन्ग स्टोरी, ट्रैवलिंग बाजी डेली ब्लॉग्स पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ब्लॉग नंबर 157 कहाँ से स्टार्ट करें पहले ना, खट्टी मीठी पेठे की सब्जी से स्टार्ट करते हैं। अरे थोड़ा मेथी दाना डाल के ना उसकी जो स्वीटनेस है उसको भी कंट्रोल कर रखा है। अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं आपको पैलेट में। एक आलू की सब्जी पकड़ते हैं। ओह बढ़िया पिट्टी भरी हुई, हींग वाले आलू है। 5 से लोग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जितना मन करे चलते रहते हैं, अपने आप ही बताते रहे और आए और आए और आए। हींग वाले आलू हैं भाई, बहुत ही कमाल के हैं। और पेठे की सब्ज़ी भी एकदम बढ़िया मेथी दाने वाली है। मेरे को अभी लेजिट ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कहीं हरिद्वार या फिर देहरादून आ गया हूँ। पूरा माहौल ऐसा बन रखा है, पत्ते भी डोने भी ऐसे हैं
और कॉस्टिंग भी अच्छी है, बढ़िया सामान है। हाँ जी आइए आइए। यहाँ पे मैं ना बात ही कर रहा था तो मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे ना ऐसे ही चलते रहता है। ये खा रहे थे तो हम लोग बैठ गए, ऐसे हम खाते रहेंगे, हमारे ख़त्म होने वाला कोई और आके बैठते रहे, भाईचारा चलते रहता है और मज़े से खाना चलते रहता है। आज वैसे तो ये वीडियो जिस दिन आएगी वो है दिल्ली की सर्दी का संडे स्पेशल, बट जिस दिन हम लोग शूट कर रहे हैं वो भी कोई संडे है, मतलब ऐसा सेम संडे नहीं आता, एडिट करने में टाइम लगता है, बट संडे को ये खाना खाओ ना तो फीलिंग आती है कि भाई संडे सुबह सुबह वाला ब्रेकफास्ट जो होता है ना, संडे सुबह ऐसा ब्रेकफास्ट मिल जाए और सर्दी पड़ जाए, बेस्ट कॉम्बिनेशन। गाजियाबाद का बढ़िया खाना खिला रहे हैं हमारे गाजियाबाद के सब्सक्राइबर मनोज भाई। दिल्ली की सर्दी में ना हम लोग जैसे आप लोगों को बोल ही रहे थे कि भाई रोहिणी का खाना तो हम लोगों को पता है, बट आसपास का बढ़िया बढ़िया खाना जैसे गाजियाबाद का खाना है इनको पता है, नोएडा का खाना किसी और को पता होगा, गुड़गांव का खाना गुड़गांव वालों को पता होगा, तो भेजी भाजी पे ईमेल करिए ताकि हम लोग आके ढूंढ सके, साथ में मिलकर खाना एक्सप्लोर करें ताकि पता भी चल जाए कि पार्किंग कहाँ पे लगानी है, पार्किंग कहाँ नहीं लगानी है। ये ट्रैवलिंग भाजी डेली ब्लॉग की कहानी है भाई साहब, फुल ऑन भीड़ चलते हैं यहाँ पे। अब मेरा तो मन कर रहा है यहीं पे मैं रुक जाऊँ, पर आज पूरा ज़्यादा दिन लंबा प्लान कर रखा है ना, बहुत लंबा आने वाले दिल्ली की सर्दी के वीडियोस में देखोगे आप, गाजियाबाद का बहुत सारा खाना सुबह से शाम तक चलते रहेगा, आप इंजॉय करोगे एपिसोड बाय एपिसोड प्लान बाय प्लान। इसको खत्म करते हैं, अगली ब्रेकफास्ट जगह पे मिलते हैं, है ना। चलते हैं, थोड़ा कैमरा बंद करते हैं और फिर तसल्ली से तीनों बैठ के खाते हैं, भाई को भी भूख लग रही है। ये गाजर का हलवा अगर दिखने लग जाए ना तो मतलब सर्दी आ गई, एकदम फुल पैकेज हो गया, मन नहीं कर रहा उठने का, पर चलते हैं अगली जगह पे दिखाते हैं क्योंकि खाना बहुत है गाजियाबाद में। ये स्टार्टिंग से ही ऐसे चलते आ रहा है, पांच पूड़ी दो सब्जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम हो गया इसको? लगभग इसे 60 साल हो चुके हैं। 60 साल हो गए, मैं थर्ड जनरेशन हूं इसका। इसका प्रॉपर एड्रेस क्या पड़ता है? प्रॉपर एड्रेस मालीवाड़ा चौक गाजियाबाद जी। मैं लोगों से बात भी कर रहा था, कुछ हमारे व्यूअर्स भी मिल गए यहाँ पे, लोग बहुत पसंद करते हैं। अरे सर ये उनका प्रेम है सर। अच्छा, और मेरे को आपका वो पिट्ठी बनाने का ना, पूड़ी बनाने का तरीका भी काफी अच्छा लगा। शुरू से है ना, हमारे यहाँ उड़द की दाल की पिट्ठी नहीं होती। अच्छा, मसाले की पिट्ठी मैश की जाती है मतलब। अच्छा जी, वो ऊपर से एक्चुअली पूड़ी पे भी थोड़ा येलो कलर आता ना, वो लगता है वाइब्रेंट लगता है। बिल्कुल 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 बढ़िया। योर गुड नेम यार? मयंक सिंगल। मयंक जी मजा आया, थैंक यू सो मच। चलते हैं, दोबारा कभी आएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। एरिया इसका एड्रेस क्या पड़ता है? घंटाघर के सामने। हाँ जी, घंटाघर चौक ये ज्वार गेट घंटाघर चौक पे वो लट्टी के छोले भटूरे, किसी ने भी पूछेंगे बता देंगे, भीड़ यहाँ पे काफी ज्यादा है। दिल्ली की सर्दी में छोले भटूरे खाइए, साथ में लस्सी लिया मजा आ जाएगा, जैम पैक खाइए भैया। टोकन किसको देना है? हाँ अच्छा, वेटिंग है। ये आज आपको हम लोग दिखा रहे हैं गाजियाबाद के छोले भटूरे, मतलब अगर आप गाजियाबाद में हो और आपको छोले भटूरे खाने तो दिस इज़ द प्लेस यू नीड टू कम टू, गोलहट्टी घंटा करके जस्ट सामने। 70 रुपये की प्लेट है, छोले भटूरे अभी निकल के बाहर आ रहे हैं, सिंगल फ्राई, पहले भटूरे पकेंगे फिर भटूरे सेके जाएंगे वट एवर द वट इज़, डबल फ्राई हो गए, कितने कमाल के लग रहे हैं, पहले भटूरे पके और फिर अब भटूरे सिके जा रहे हैं। ओए दैट ब्यूटीफुल भटूरे का गोल्डन ब्राउन कलर, इतने गरम गरम भटूरे होते हैं ना, ये कील जैसी कोई चीज़ होती है इससे भटूरे उठाते हैं। हाँ, छोले की प्लेट बन के निकल रही है भाई साहब, छोले के साथ चटनी पड़ी, चटनी के साथ में मिर्ची और सलाद और फलाना निमकाना बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। रस में से छोले, उसके ऊपर हरी चटनी ची और गाजर का चार और बस दो फूले भटूरे। हाँ बहुत शानदार। लो जी, ये हो गए हमारे गाजियाबाद के छोले भटूरे फेमस। आइए दोस्तों, गाजियाबाद के फेमस गोलहट्टी के भटूरों को पंचर करते हैं और एक बाइट बनाते हैं अपनी, बढ़िया सी कार्यक्रम यहाँ पे हो रखा है। रस में से छोले, चटनी, ग्रेवी, मतलब पूरा पैकेज बनाएंगे ये लोग। छोले डाले हम लोगों ने रस में से, साथ में थोड़ी सी चटनी वाला छोला डाला और ये गाजर का अचार भी हम लोगों ने डाल लिया और ये हम लोगों ने मिर्ची उठा ली, ये भी इसमें डाल दी, पूरा हम लोगों ने पैकेज बना दिया। छोले चावल जैसे छोले होते हैं ना, घर में जैसे छोले बनते हैं, माइल्ड स्पाइसी वैसे टाइप के तरी वाले छोले, थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रखा है, साथ में पूरा पैकेज बना के दिया हुआ है, चटनी
गाजर मिर्ची विर्ची के साथ तो सही है वो। अच्छा साथ में एक और मिर्ची का अचार की भी चटनी है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें तो छोले के ऊपर डाली गई है एडिशनल विच इज सेपरेट अदर देन छोले। और जो छोले के जो मसाला है जो तरी है दैट इज़ नॉट वेरी स्पाइसी बट एट द सेम टाइम फ्लेवरफुल है। बाकी भाई जो हम लोग अभी जंग जीत के आए ना पीछे से घंटाघर से रास्ते वे से आ रहे हैं हम लोग, अभी जैसे आप लोगों ने पीछे देखा हम लोगों ने कचौड़ी खाई, उसके बाद वो एक D2 लेके आ रहे हैं घंटाघर से, वहाँ से यहाँ बाहर आके ये छोले भटूरे खाना इज़ अ सक्सेस इन इटसेल्फ। अब आइए आपको खिलाते हैं बेहतरीन से लस्सी, क्योंकि जहाँ पे रहेगा छोले भटूरे वहाँ पे होनी चाहिए लस्सी, तभी आएगा दिल्ली की सर्दी का मज़ा। और ये तो चल रहा है गाज़ियाबाद का पहला पार्ट दिल्ली की सर्दी सीज़न 3। ओके दोस्तों अब हम लोग अपनी अगली जगह पे आ गए लालवान लस्सी पे। कौन सा एरिया कौन सा है ये सर? रवि बाजार। संडे को आया तो रवि बाजार। एरिया कौन सा है? एरिया सर ये पुराना बस अड्डा का मतलब ओल्ड बस स्टैंड, ये जो एरिया पुराना बस अड्डा के पास है। बाकी नाम ही बहुत चलता है इनका, बहुत फेमस है। आप चाहिए लस्सी खाते हैं या पीते हैं पता नहीं, देखते हैं कुछ तो करेंगे लस्सी का, दिखाते हैं कैसी है फिर देखेंगे क्या करना। आइए जी लालवान लस्सी आपको पिलाते हैं खिलाते हैं। ये लस्सी पीते हैं खाते हैं मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाए, इतनी गाढ़ी गाढ़ी लस्सी होती है ना। लस्सी बनाने में सारी मास्टरी दही जमाने की होती है शायद, है ना? दही अगर सही से जम गया दूध बढ़िया होनी चाहिए, दूध बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा लस्सी भी आप हाथ वाली बनाते हैं? अभी ऑफ सीजन है ना, हाँ इसलिए हाथ से बनाते हैं। अच्छा सीजन में मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीजन कब होता है? सीजन गर्मियों में मार्च अप्रैल मई जून। हाँ दही बढ़िया जमे तो मलाई अच्छी निकल गया। दुकान को हो गए लगभग 42 साल। 42 साल बड़े मानते हैं लोग गाज़ियाबाद में लस्सी आपकी। क्या रेट है? छोटी 30 रुपये की है, बड़ी 50 की। 3 किलो दही अच्छी खासे गाढ़ा दही। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, थोड़ा कठिन सवाल है, लस्सी खाते हैं या पीते हैं? लस्सी लोग पीते हैं मलाई खाते हैं। सही जवाब, आपको अव्वल नंबर से पास करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मथनी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? इसको राई बोलते हैं, राई बोलते हैं इसको, इसे लोटा। अच्छा राई बेसिकली राई से हाँ बनाओ तो लस्सी उसका भी अलग ही मज़ा आता है, जैसे साग को अगर कूट के बनाओ तो अलग स्वाद आता है, लस्सी से अच्छी स्वाद होती है हाथ। हाँ वो जो हाथ की मेहनत होती है वो मशीनों में कहाँ है साहब। मेरे को लस्सी बहुत पसंद है पर मैं लस्सी कम पीता हूँ। अब पूछे क्यों कम पीते हैं? क्योंकि भाई लस्सी पी के नींद बड़ी प्यारी आती है। पंजाबी लोगों को नींद आती है। मैं अभी इधर पीछे गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में लोग लस्सी ज़्यादा पीते हैं, उनको छाछ पी के नींद आती है। छाछ पी हमें छाछ पी के हमारी नींद भागती है। अलग अलग जगहों के हिसाब किताब है ना, तो लस्सी स्वाद बड़ी होती है पर लस्सी तब पीते हैं जब अच्छी सी नींद ले ली हो। लस्सी के बाद बहुत ऐसे मस्त सा माहौल बन जाता है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते बता रहा जरा। लस्सी पी के नींद आती है, मस्त आता है, माहौल बन जाता है एकदम। तभी हम लोग अपना वीडियो का भी एंड यहीं से कर रहे हैं। गाज़ियाबाद की और वीडियोज़ आते रहेगी, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे लालवान लस्सी से पहली गाज़ियाबाद की वीडियो का एंड करेंगे दिल्ली की सर्दी सीज़न 3। कूलर लगाओ। हाँ कूलर लगाइए। ओ भाई एक के ऊपर एक कूलर चढ़ी जा रहे हैं, अब लस्सी बनेगी बहुत तगड़ी तरीके से। चलो भाई मेगा लस्सी मेकिंग इज़ डन नाउ, लस्सी बढ़िया बढ़िया कूलरों में जा रही है। वो लेफ्ट साइड पे आपके मिनी ग्लास है, राइट साइड पे आपके मेगा ग्लास है, गाज़ियाबाद की फेमस लस्सी। भाई साहब अब लस्सियों को टॉप करेंगे मलाई से। ओहो हाथ से बनी हुई लस्सी का स्वाद ही अलग होता है, मानते हो यकीन करते हो कि नहीं करते इस बात पे बताओ जरा। और शेयर करो भाई ये सारी की सारी वीडियोस उन लोगों के साथ जिनको ना भाई लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या मैसिव लस्सी की मेकिंग हो रही है भाई, यहाँ पे मलाई डल रही है, मतलब ये लस्सी जिस जिसके पेट में जाएगी ना उसको आएगी बहुत ही फुल सेटिस्फैक्शन वाली नींद। दिल्ली की सर्दी में लस्सी दिखा दी, दिल्ली की सर्दी में आपको पीछे गाजर का हलवा दिखा दिया, मतलब माहौल बन चुका है भाई। आपने वीडियो पे लाइक करने का क्या लेना है, वीडियो पे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, भाजी भाजी मिलते रहेगा बढ़िया खाना। लो जी आ गई हमारी लस्सी, आइए स्टार्ट करते हैं द मेगा लस्सी। तो ये स्टार्टिंग से यहीं पे थी। हाँ एरिया कौन सा पड़ता है ये? लालमन लस्सी वाले पुराना बस अड्डा गाजियाबाद। अभी बाकी आज थोड़ी रौनक भी बड़ी है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा गली से खुला रहता है। हाँ वरना खुला रहता है जहाँ पे भीड़ रहती है, वही कह रहा हूँ खुला रहता है। लस्सी आराम से मिल गई, आज से 10-15 साल पहले यदि आप आते तो यहाँ इस लस्सी के लिए युद्ध लड़ना पड़ता था। अच्छा आराम से नहीं मिलती, 500 लस्सी यदि बन रही है 500 में भी 10-5 आदमी रह ही जाता था। अच्छा मिल नहीं पाता। गाइस लस्सी बनते हुए देखी एपेटाइट बढ़ चुकी है, आइए पीते हैं और उसके बाद फिर अगर मजा आए तो ऐसे सो जाए बंदा सीधा।
लस्सी पी के, लस्सी मतलब दही एंड चीनी इट्स एसेंस। अब ये लस्सी पी थी, अब लस्सी खाएंगे क्योंकि मलाई है, अच्छा दही जमा हुआ है। ये लस्सी, तुम समझते क्यों नहीं हो लस्सी, अगर मैं तुम्हें पूरा पी लूँ तो मैं सो जाऊँगा, मुझे आगे और शूट करना है तो मैं इसको धीरे धीरे करके पीऊँगा। आप लोगों से बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं दिल्ली की सर्दी के एक और रोमांचक एपिसोड में, अलग अलग जगहों का खाना आते रहेगा। अगर आप ये वीडियो फरीदाबाद से देख रहे हो, चांदनी चौक से देख रहे हो, सीपी से देख रहे हो, तो बताओ आपके आसपास क्या बढ़िया खाना मिलता है, हम लोग ढूंढेंगे और खाएंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सब क्या बोली जा रहा हूँ, तब तक के लिए बढ़िया खाना खाते रहिए, बाय बाय।